हेलो गाइस, आपका स्वागत है वीके ब्लॉग सिटी में। तो दोस्तों, आज मैं रामगढ़ के मार्केट में, ये रामगढ़ गांव बलिया जिले में पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आपको रामगढ़ के वीडियो को कुछ बना के दिखाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बाढ़ आ जाता है। 10 दिन पहले हम लोग वीडियो बनाए थे पांडेपुर से लेके रामगढ़ तक, यहाँ पे आपको बताए थे कि इन सब गांव में बहुत ही ज्यादा बाढ़ आ गया था और बलिया जिले में लगभग 300 से ज्यादा गांव बाढ़ में पूरा डूब जाते हैं, हर एक साल डूब जाते हैं। ये सब बलिया जिले के बहुत ही ज्यादा डिमेरिट्स है। तो चलिए, इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि बाढ़ का पानी कम हुआ है या नहीं, जो मैं 10 दिन पहले वीडियो बनाया था उससे भी कंपेयर करेंगे। और इस वीडियो में आपको दुबे छपरा का कुछ व्यू दिखाने वाला हूं, तो इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जो बाढ़ का वीडियो मैं बनाया था, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां पे आप जाके देख सकते हैं या मेरे चैनल पे भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक जगह हम लोग चलते हैं जहाँ पे रामगढ़ में एक बांध बनाया गया है, जहाँ से गंगा जी का पानी पूरा अच्छे तरीके से दिखता है। तो चलिए, हम लोग यहाँ से इधर जाएंगे राइट में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा खासा बांध बनाया गया है, जहाँ से आपको पूरा गंगा जी का नदी का पूरा व्यू आता है। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा गंगा जी की नदी आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे सुबह में और शाम में लोग आते रहते हैं सनराइज एंड सनसेट देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यू आता है सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे। तो चलिए, हम लोग सनसेट के टाइम पे आए तो आपको व्यू भी दिखाएंगे, और यहाँ पे लोग इन्जॉय भी करते हैं, आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं यहाँ पे आके इन्जॉय भी करते हैं। तो चलिए, हम लोग भी अच्छे टाइम पे आए हैं, शाम में यहाँ पे सनसेट हो रहा है, तो आपको भी दिखाते हैं सनसेट का पूरा व्यू। तो चलिए, इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, अच्छा खासा व्यू आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बाढ़ का पानी भी कम हो चुका है, पहले से तो ज़्यादा ही कम हो चुका है। पहले तो लगता था कि बाढ़ का पानी पूरा रोड पर आ जाएगा, बट पानी कम हो गया। रामगढ़ बैरिया, देखिए रामगढ़ बैरिया, और यहाँ पे जो पूरा बाढ़ आया हुआ था अभी थोड़ा कम हो गया है। तो चलिए, अच्छा बात है कि यहाँ पे पानी कम हो गया है, और इस गांव को बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। आसपास के जितने गांव हैं गंगा जी के नदी के पास में, जितने भी गांव हैं उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी हुआ था, और यहाँ तक पानी आ गया था, पूरा यहाँ तक पानी आ गया था, पूरा ये डूबने वाला ही था, पूरा डूब गया था। और वहाँ पर एक घर था, वो भी यहाँ पे से टूट के नीचे गिर गया, ये पूरा डूब गया था, और यहाँ तक पानी था ये पूरा। ये रामगढ़ के जो ढाला है वहाँ पे हम लोग हैं। पहले तो इससे भी ज़्यादा नाव यहाँ पे चलती थी, इस पार से उस पार बहुत ज़्यादा नाव जाती थी, घरों के आसपास के लोगों को यहाँ पे लाती थी, घर के जो भी सामान को, घर पे जो भी सामान की कमी होती थी तो नाव से लोग आते थे और मार्केट से सामान लेके जाते थे। तो अभी तो पानी कम हो गया, फिर भी यहाँ पे नाव थोड़ा बहुत चल रहा है अभी। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग चलते हैं दुबे छपरा। दुबे छपरा में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया था, वहाँ पर भी बहुत लोगों का घर डूब गया था। वहाँ पे इंटर कॉलेज है, और वहाँ पे जो कॉलेजेस हैं और वहाँ पे जो स्कूल है वो भी डूब गया था। वहाँ पर भी आपको चल के दिखाएंगे कि वहाँ पर पानी कम हो गया है। तो चलिए, हम लोग चलते हैं दुबे छपरा, वहाँ पर आपसे मिलते हैं। ये सब पूरा डूब गया था, पानी पूरा यहाँ तक था, जहाँ तक आपको कैमरे में दिख रहा है, सारा स्कूल डूब गया था। चलिए, आपको आगे भी दिखाएंगे, गांव में लेके चलेंगे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बांध बनाया गया है यहाँ पे के, ताकि तो यहाँ पे देखिए बांध बनाया गया है ताकि ये रोड पे पानी ना आए। पहले यहाँ पे पानी बहुत ही ज़्यादा आ गया था, इसलिए यहाँ पे बांध बना दिया गया है, और यहीं से नाव गांव के लिए चलती थी। तो देखिए, यहाँ पे पानी अभी कम हो गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी कॉलेज और स्कूल में काफ़ी पानी अभी लगा हुआ है, तो ये भी कुछ दिनों में सूख जाएगा। तो हम लोग लगभग 10 दिनों बाद आए हैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, और पिछला वीडियो हमारा 10 दिन पहले का है, तो अगर आपको वो भी वीडियो देखना है तो देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। और ये पूरा पानी फुल हो के पूरा कॉलेजेस में और स्कूल में यहाँ से चला जाता है, और ये जो आसपास के कटरा हैं, जो दुकानें हैं, उसमें भी पानी बहुत ही ज़्यादा चला जाता है। और इस स्कूल और कॉलेजेस के पास में NH-31 का हाईवे गया है। देखिए, यहाँ पर सामने हाईवे है NH-31। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से इस गांव में चलते हैं जहाँ पे बांध बना हुआ था और वो टूट गया था, जहाँ से बहुत ज़्यादा पानी आता है, और यहाँ से भी नाव चलती है। तो देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पे पानी अभी लगा हुआ है, और यहाँ पे कीचड़ भी बहुत ही ज़्यादा है। और देखिए, यहाँ पे बाइक भी निकाला काफ़ी मुश्किल है। तो चलिए, हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं बाइक अपनी। ये हमारे बाइक्समैन खतरनाक स्टंट के लिए रेडी हैं।
वो ही मैं एकदम ले जा। करा खतरनाक एक नंबर में बड़ा नू निकाला आराम से आजी पैर उठावा आई तो ये देखिए ये पुल हम लोग पहले जो वीडियो बनाए थे इस गांव का सबसे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें ये पुल उस टाइम बन रहा था। अभी हम लोग उस रोड से आगे की तरफ आए हैं तो यहाँ पे एक बांध है जहाँ से पानी अंदर गांव में चले जाता है वहीं पे हम लोग आए हैं अंदर ये गांव के अंदर ही है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा नाव है यहाँ पे और इस पार से उस पार जाने के लिए है और अलग अलग गांव में जाने के लिए है और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ये मिट्टी टूट के इधर गिरने वाला है। ऐसे ही करके आगे बहुत ही ज़्यादा मिट्टी था वो भी टूट के गिर गया है इस नदी में और इसके आगे भी देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नाव लगी हुई है इस पार से उस पार की तरफ जाती हैं। कुछ नावें यहाँ पे चल भी रही हैं आप देख सकते हैं वीडियो में आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। और दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गहरा पानी भी है तो इधर लोग कम ही आते हैं इधर के गांव के लोग जो होते हैं वहीं लोग इधर ज़्यादातर आते हैं। और अगर आपने मेरा दुबे छपरा का पहली वीडियो भी देखा होगा तो इधर पानी लगा हुआ था उस टाइम भी हम लोग आए थे तो